हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फरमान खान और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बड़ा जनरलाइज से 12th में, नीट में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी आती है तो कई बार इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड इट्स इनहेरिटेंस, मतलब आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में या रुधिर समूह के बारे में और इसकी इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम आगे देखेंगे कि अगर मान लीजिए पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो आगे उसकी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। देखिए, बिल्कुल जनरल सी बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं ह्यूमन होते हैं उनमें मेनली कितने टाइप का, फोर टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है। कितने? फोर टाइप का ब्लड ग्रुप मिलता है। आप ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर चेक करेंगे तो आपको चार टाइप का मेनली ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा ए ब्लड ग्रुप, एक आपको देखने को मिलेगा बी ब्लड ग्रुप, एक आपको देखने को मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा ओ ग्रुप, ठीक है ना। तो ये चार ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ए ग्रुप, बी, ए बी और ओ ग्रुप। अब देखिए, बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कैसे पता लगता है कि किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो ये सारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी करैक्टर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? एक जीन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कोई भी करैक्टर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? जीन। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम ह्यूमंस में बात करें, किसमें? ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर एक जीन होता है जिसे क्या बोलते हैं? आई जीन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? आई जीन कहते हैं। तो ये आई जीन होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड ग्रुपिंग के लिए, किसके लिए भी? आपका ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमंस में एक जीन होता है जिसका नाम होता है आई जीन। ये आई जीन क्या करता है भाई? इस आई जीन का काम ये है कि इसने ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन करना है, मतलब इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होता है, मतलब इसका काम है ब्लड ग्रुप देना। अब देखिए, आपको क्या बात याद रखनी है, ये जो आई जीन होता है, कौन सा जीन होता है? आई जीन, ठीक है। इस आई जीन के तीन अलग अलग टाइप होते हैं। इस आई जीन के क्या होते हैं? अलग अलग तीन टाइप, या आप बोल सकते हैं इस आई जीन के आगे तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें वो कौन कौन से तीन वेरिएंट है, आई ए कोमा आई बी और क्या है, आई ओ। ये आई जीन जो है इन तीन फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो आप जस्ट इसको उस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि आप मान लीजिए कोई आइसक्रीम की एक कंपनी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं अमूल की जो आइसक्रीम आती है, अमूल क्या है? एक कंपनी है। अब अमूल कंपनी की जो आइसक्रीम है उसके अंदर आपको अलग अलग वेरियंट देखने को मिलेंगे। जैसे आपको चॉकलेट फ्लेवर देखने को मिलेगा, आपको बटर स्कॉच देखने को मिलेगा, आपको वेनिला देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी तो एक ही है, क्या? अमूल। उसके तीन आपको अलग अलग क्या देखने को मिल रही है? वैरायटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से है, देखिए जीन तो क्या है? ए, ठीक है ना। नाम क्या है जीन का? आई जीन। और ये जीन करेगा क्या? ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अब इस आई जीन की तीन अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि आई ए, आई बी और आई ओ। तो मतलब ये जीन जो है तीन फॉर्म के अंदर मिलता है, या इसकी तीन वैरायटी मिलती है, आई ए, आई बी और आई ओ। अब आपको बात एक सिंपल सी ये याद रखनी है, अगर हम बात करें किसी ह्यूमन की, अगर अपने एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में, जैसे कोई भी ह्यूमन है फॉर एग्जांपल के लिए, उस ह्यूमन में इन तीन वैरायटी के अंदर से या इन तीन वेरिएंट के अंदर से कोई भी दो वेरिएंट मिल सकते हैं। क्या बोलता हूं मैं, दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखिए, तीन अलग अलग वेरिएंट है, तीन अलग अलग टाइप है किसके? आई जीन के। अब इन तीन अलग अलग जो वेरिएंट है, इन तीन वेरिएंट में से किसी भी एक ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या मिलेंगे? सिर्फ दो ही वेरिएंट मिलेंगे, या दो ही क्या मिलेंगे आपको?
जीन मिलेंगे। अगर इसको हम एग्जांपल से समझना चाहें तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपकी मान लीजिए अमूल आइसक्रीम की कंपनी है, उसके आपके तीन अलग अलग क्या है वेरिएंट, जैसे मान लीजिए बटर स्कॉच, वेनिला और हमने बात की किसकी चॉकलेट की। बट अब एक ह्यूमन को उन तीन आइसक्रीम में जो तीन अलग अलग वेरिएंट है उनमें से सिर्फ दो ही फ्लेवर ले सकता है वो, ठीक है, कोई भी दो फ्लेवर ले सकता है। अब वो फ्लेवर चाहे तो सेम भी हो सकते हैं और वो फ्लेवर चाहे तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला, मान लीजिए एक तो है चॉकलेट, ठीक है, एक कौन सा है वेनिला और एक कौन सा है बटर स्कॉच, ये तीन अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है, बटर स्कॉच। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, अब इन तीन वेरिएंट में से एक ह्यूमन सिर्फ दो ही क्या ले सकता है फ्लेवर ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं जो हूं इन तीन फ्लेवर में से सिर्फ दो ही फ्लेवर ले सकता हूं। अब चाहे वो फ्लेवर क्या हो, सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे मान लीजिए मैं दोनों के दोनों फ्लेवर, मतलब मैं दो आइसक्रीम ले सकता हूं, चाहे मैंने एक हाथ इसमें एक चॉकलेट ले ली इसमें एक चॉकलेट, या फिर इसका मैंने क्या करा एक चॉकलेट ले ली एक वेनिला ले ली, या फिर मैंने क्या किया दोनों ही वेनिला ले ली, या फिर मैंने एक वेनिला एक बटर स्कॉच ले ली। तो ये बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से अगर हम इस चीज को इससे रिलेट करें तो मैंने क्या बताया, ये जो तीन वेरिएंट है आई जीन के, जो तीन वेरिएंट है कौन कौन से, आई ए आई बी और आई ओ, इन तीन वेरिएंट में से एक ह्यूमन दो वेरिएंट रख सकता है। अब वो दो वेरिएंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंदर क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे अंदर दोनों ही जो वेरिएंट है या जो दोनों जो जीन है वो आई ए और आई ए प्रेजेंट है, या फिर ऐसे हो सकता है मेरे अंदर एक आई ए है और एक आई भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए आगे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देखना मैं एक बार ये रेज कर देता हूं। अब देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन की तो देखिए, बट उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आई ए जीन और आई बी जो है ये दोनों क्या होते हैं डोमिनेंट, ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है, और आई ओ जो है ये क्या होती है रेसेसिव, ये क्या होती है रेसेसिव, या आप बोल सकते हो आई ए और आई बी क्या होते हैं प्रभावी हैं और ये आई ओ क्या है अप्रभावी होती है। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि कोई भी एक ह्यूमन है उसके अंदर क्या हो सकते हैं इन तीन वेरिएंट में से कोई भी दो वेरिएंट हो सकते हैं, अब वो चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो। देखिए मान लीजिए मान है फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास एक ये ह्यूमन है, ये हमारे पास एक ह्यूमन है, तो हम सपोज कर लेते हैं इस ह्यूमन के अंदर जो दोनों वेरिएंट मतलब दो जीन है, ठीक है ना, दो वेरिएंट कौन कौन से हैं आई ए मान लेते हैं और दूसरा भी क्या मान लेते हैं हम आई ए, ठीक है, इसके अंदर आई ए और आई ए है। अब मान लीजिए हमारे पास एक और ह्यूमन है, ठीक है, एक और ह्यूमन है हमारे पास, तो क्या होगा इसके अंदर हम सपोज कर लेते हैं जो जीन है वो क्या है एक आई ए है और एक आई बी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था वेरिएंट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, आपकी चॉइस है, भी आप दोनों आइसक्रीम चॉकलेट लेना चाहते हैं दोनों वेनिला लेना चाहते हैं या एक चॉकलेट या एक वेनिला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा सिंपल सी बात है एक ह्यूमन के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएंट प्रेजेंट होंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आई ए आई ए आई ए आई बी हो सकता है, या फिर मान लीजिए हमारे पास एक और ह्यूमन है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है मान लीजिए इसके अंदर कुछ इस टाइप से है, एक जीन है आई बी और क्या है आई बी, या फिर मान लीजिए हमारे पास एक और ह्यूमन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है हम सपोज कर लेते हैं एक है आई बी और एक आई ओ मान लेते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या मान लेते हैं हमारे पास एक और ह्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर जो जीन है वो कुछ इस टाइप से है कि आई ए है और आई ए के साथ क्या है आई ओ, हम एक और ह्यूमन मान लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है एक जीन है
आई ओ और आई ओ। देखिए इन तीन वेरिएंट से सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई भी ह्यूमन हो उसमें क्या हो सकता है, या तो आई ए हो सकता है या आई ए हो सकता है, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है आई ए और आई ए के साथ क्या हो सकता है आई ओ, या फिर आई ए के साथ क्या हो सकता है आई बी, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आई बी या आई बी हो सकता है, या फिर आई बी या आई ओ हो सकता है, या फिर आई ओ या आई ओ हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। मतलब इस पूरी के पूरी अर्थ पर जितने भी ह्यूमन है, जितने भी ह्यूमन है उनके अंदर कोई भी, जैसे ह्यूमन है बात करें या तो उसके उनके अंदर सिर्फ इन तीन जीन्स की ये ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी आपको लर्न रखनी है, ठीक है ना, कौन सी, ये वाली, ये जो छह पॉसिबिलिटी है इस पूरे अर्थ पर जितने भी ह्यूमन है उनके अंदर इन तीन जीन्स की सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसके अंदर दोनों ही जीन क्या है आई ए और आई ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। अगर हम बात करें किसकी, अगर कोई ह्यूमन है उसके अंदर आई ए जीन है और आई ओ जीन है, तो क्वेश्चन आता है अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, तो देखिए इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा ए। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है इसका ब्लड ग्रुप ए क्यों है, तो देखिए यहां मैंने एक बात लिखी है, आई ए और आई बी जीन जो है वो क्या है डोमिनेंट है, और आई ओ जीन जो है वो क्या है रिसेसिव या अप्रभावी। तो क्या हुआ, ये ए जीन जो है आई ए जीन वो आई ओ जीन के जो क्या होगा अफेक्ट होगा उसको क्या कर देगी भाई, सप्रेस कर देती है या इसको शो नहीं होने देगी, ठीक है ना, कौन, आई ए जीन जो है वो आई ओ का जो करेक्टर है उसको शो नहीं होने देगी, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है और ये क्या है रिसेसिव जीन है, तो इसका इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होगा आई ए। अगर हम चेक करें किसका, इसका चेक करें, ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए इसके अंदर ब्लड ग्रुप होगा ए बी, क्यों, देखिए इसका ए बी किस बेस पे हुआ, देखिए हमने देखा है कि आई ए और आई बी दोनों ही जीन क्या है डोमिनेंट है, मतलब ये जीन भी डोमिनेंट है ये भी जीन डोमिनेंट है, तो ये दोनों जीन अपना अफेक्ट एक साथ शो करेंगी, ये दोनों जीन, ठीक है ना, ये दोनों जीन अपना अफेक्ट एक साथ शो करेंगी, जिसकी वजह से इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा आई बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप देखिए बी और बी है, तो सिंपल सी बात है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी। अगर हम यहां चेक करें आई बी और आई ओ, तो देखिए हमें पता है आई बी जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, आई ओ के ऊपर, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा ओ बी, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर हम बात करें इस पर्सन के ब्लड ग्रुप की, तो आई ओ आई ओ, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ओ। समझ में आ गई, आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मतलब अगर किसी पर्सन का हमें इस टेबल से एक बात समझनी है, ये जो मैंने आपको टेबल बताई है, इस टेबल से हमें एक बात समझनी है कि क्या, अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जीन की, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या मेरे अंदर या तो आई ए या फिर आई ए जीन हो सकती है, और क्या हो सकता है, देखिए आई ए या फिर आई ओ जीन हो सकती है, इसके अलावा मेरे अंदर कोई और जीन नहीं होगी अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है। इमेजिन करिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो किस केस में मेरा ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो मेरे अंदर दोनों के दोनों जीन जो है वो आई बी हो, या फिर मेरे अंदर एक आई बी हो और एक आई ओ जीन हो, ठीक है। अगर हम बात करें मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो एक ही कंडीशन में मेरा ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, अगर मेरे अंदर जो दोनों जीन हो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करने वाली वो क्या हो, आई ओ और आई ओ हो। इसी तरीके से अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो सिर्फ एक ही केस में मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, अगर मेरे अंदर ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करने वाली जो दोनों जीन है वो क्या हो, उनमें से एक आई ए हो और एक क्या हो आई बी हो। तो ये टेबल आपके दिमाग में आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप आगे ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस को नहीं समझ सकते, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस को समझने में। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया आएगा। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस किस टाइप से होती है, तो मैं एक बार ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ये टेबल मैं बनी रहने दूंगा, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर
मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के, मान लीजिए अगर एक मेल है, एक क्या है मेल, ठीक है, ये फीमेल है, इन दोनों की मैरिज हो गई और इनकी मैरिज से आगे क्या बनी, जो ऑफस्प्रिंग बनी, मान लीजिए क्या बनी ऑफस्प्रिंग, ये मान लेते हैं मेल है, ठीक है, ये क्या है इधर एक फीमेल, ठीक है, इनसे आगे क्या बनी एक ऑफस्प्रिंग बन गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जाहिर सी बात है ये मेल है ये फीमेल है, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके जो बच्चे होंगे, अब हमें उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा उस चीज को समझना है। तो उस चीज को समझने के लिए मान लेते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि जो पिता है या जो मेल है उसका जो क्या है फादर है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप है आई, मतलब इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए ब्लड ग्रुप है, और आपको दे दिया कि जो फीमेल है या जो मां है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, सपोज कर लेते हैं इसका ब्लड ग्रुप है ओ, पिता का या फादर का ए है, और जो क्या बोलते हैं मदर है या जो फिर क्या है लेडी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ। अब आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया, तो बताइए इनकी जो ये जो चिल्ड्रन है, इनका जो ये बच्चा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है इसको निकालना। देखिए पहले हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अगर आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप निकालते हैं, तो आप 2 मिनट के अंदर आपको चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप दे दे आप निकाल सकते हो। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं पेरेंट जो है, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए। अब सोचिए ए ब्लड ग्रुप कब कब हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये फादर है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो सपोज कीजिए इसके अंदर जीन कौन कौन से है। तो देखिए इसके अंदर इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, या तो इस फादर के अंदर दोनों ही जीन क्या हो आई ए और आई ए हो, या फिर इसके अंदर ऐसे हो सकता है दोनों ही जीन क्या हो आई, एक जीन आई ए हो और दूसरा जीन क्या हो आई ओ हो, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। देखिए इन 2 कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए होता है, एक तो ये कंडीशन इसमें ब्लड ग्रुप ए है और एक ये कंडीशन इसमें ब्लड ग्रुप क्या है ए। अब देखिए मां का जो या जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ, तो हमें सिंपल सी बात पता है ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, कब, जब किसी ह्यूमन में दोनों के दोनों जो ब्लड ग्रुपिंग वाले जीन हो वो क्या हो आई ओ और आई हो। तो ऑब्वियस ही बात है जो मदर है इसका ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर दोनों जीन जो होंगे वो आई ओ और आई ओ वाले होंगे। अब देखिए अब हमें इनका चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो क्या है फादर है उसका, उसके अंदर दोनों जीन क्या है आई ए और आई ए है, और मदर के अंदर ये कंडीशन है, तो उससे हम ब्लड ग्रुप को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फादर में ये वाली कंडीशन मानेंगे और मदर में तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि मदर में और कोई कंडीशन बनती नहीं, बनी ही नहीं सकती, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ सिर्फ तभी हो सकता है जब कंडीशन ये हो। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो क्या है जो फादर है या मेल जो है उसका ब्लड ग्रुप ये है, तो इस कंडीशन में अपने किस टाइप से चेक करेंगे, देखिएगा आप ये चेकर बोर्ड जो मेथड है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह फादर है, फादर में कौन सी जीन है आई ए और आई ए, ठीक है ना, ये किसका है फादर का, और मदर में कौन सी जीन है आई ओ होगी और आई ओ, तो आप चेक कर सकते हैं क्या बनेगा आई ए, जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा आई ए आई ओ, यहां पे करेंगे तो आई ए और आई ओ, अगर आप इस साइड चेक करोगे तो आई ए और आई ओ, अगर आप इसको इससे क्रॉस करोगे तो वही आई ए रहेगा और आई ओ रहेगा। तो देखिए एक कंडीशन तो बनती है आपके सामने ये कि फादर की हमने ये कंडीशन मान ली और मदर की तो ये एक ही कंडीशन है अपने पास, या फिर हमारे पास एक कंडीशन और बनती है क्या, हम मान लेते हैं कि फादर जो है उसमें ये जीन्स ना होकर ये जीन्स भी हो सकते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो हमें ये वाला क्रॉस भी करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा
तो आप यहां कर सकते हैं फादर का आई ए और आई ओ, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं आपकी बार हम, और मदर में तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है तो हमें वही लेके चलना पड़ेगा आई ओ और आई ओ। तो अगर आप यहां चेक करेंगे आई ए और आई ओ, यहां पर भी आई ए आई ओ, अगर आप यहां चेक करें तो आई ओ और आई ओ, और यहां पे आप क्या आई ओ और आई ओ। तो आप देख सकते हैं आप ब्लड ग्रुप कौन कौन से बन रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिए जब आपको क्या करना है, इन आठ ही आठ पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि इनसे क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है। देखिए अगर हम बात करें आई ए और आई ओ की, तो इसके अंदर क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है, भाई ए हमें पता है डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप ए, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप ए। अगर हम बात करें आई ए और आई ओ, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए। आई ओ और आई ओ तो होता है तो ब्लड ग्रुप होता है ओ, आई ओ और जब आई ओ होता है तो ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो देखिए हमारे पास टोटल दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है ओ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो क्या होगा ए होगा, क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप ए, या इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है, मतलब ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो किस पर के ऊपर करता है कि आपको ये टेबल आनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल आती है तो आप बड़े इजीली क्या कर सकते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है उनको बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप बड़े सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं ब्लड ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, अब की बार मैं टेबल मिटो देता हूं, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा और फिर हम क्या करते हैं ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा आपकी बार मैं क्या करूंगा चेंज कर देता हूं, देखिए ब्लड ग्रुप को और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि क्या है जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी बार हम ये सारी चीज इरेज कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो फादर है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम बी है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का क्या है ए बी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके जो जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले ये सोचिए कि जो मेल होता मतलब जो फादर होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ए बी तभी हो सकता है जब एक जीन आई ए हो और दूसरा जीन क्या हो आई बी, सिर्फ ये एक कंडीशन में क्या हो सकता है आई ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर हम बात करें किसकी, मदर का बी ब्लड ग्रुप कब हो सकता है, जब दोनों ही जीन क्या हो बी, या फिर क्या हो एक जीन क्या हो बी और एक जीन क्या हो ओ, ठीक है। अब हमें क्रॉस करना है, पहले हम मदर ये मदर मान लेंगे और फादर की तो एक ही क्या है पॉसिबिलिटी है, तो पहले हम मदर को मदर ये वाली जीन वाली मानेंगे और फादर तो सेम ही रहेगा, फिर हम मदर ये वाली मानेंगे और फादर तो सेम ही रहेगा। तो देखिए अब हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इन दोनों का क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां मैं साइन नहीं लगा रहा, एक बार मेल और फीमेल के, एक बार मैं सीधा कर लेता हूं, तो मैं यहां क्या ले रहा हूं फादर और यहां मैं ले रहा हूं मदर, तो आई ए और आई बी, और वहां पे मैंने पहली पॉसिबिलिटी ली है ये वाली, तो यहां आ जाएगा आई बी और आई बी, तो आपके पास आएगा फाइनली आई ए आई बी आई ए आई बी और आई बी, यहां पे आपके पास आई बी और आई बी, तो एक पॉसिबिलिटी होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये मान लेते हैं, यहां मैं फिर से फादर ले रहा हूं और यहां मैं ले रहा हूं मदर, तो ठीक है। अब फादर तो वही रहेंगे भी आई ए और आई बी, अब मदर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी आई बी और एक मान लेते हैं हम आई ओ, तो आपका यहां होगा आई ए आई बी, ठीक है ना, आई ए और आई ओ, यहां आप ले लीजिए आई बी और आई बी, और यहां आपका आई बी हो जाएगा और आई ओ। तो हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए ए और बी में क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आएगा, ए बी में यहां पे भी ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आएगा, यहां ब्लड ग्रुप निकल के आएगा बी, ठीक है ना, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, यहां ब्लड ग्रुप निकल के आएगा बी, यहां ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा ए बी, यहां ब्लड ग्रुप
आपका ब्लड ग्रुप निकल के आएगा यहाँ पे ए, यहाँ पे निकल के आएगा आपका बी, और यहाँ ब्लड ग्रुप निकल के आएगा आपका बी। तो देखिए ब्लड ग्रुप क्या क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी बी आ रहा है, और यहाँ पे आपका ए बी भी आ रहा है। तो बस ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रन होगा, या तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, या इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, या इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ए ब्लड ग्रुप कब होता है, बी ब्लड ग्रुप कब होता है, ए बी ब्लड ग्रुप कब होता है, ओ ब्लड ग्रुप कब होता है, और इनकी इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है। अगर मदर का ये है, फादर का ये है, तो ऑफस्प्रिंग का आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या बोल सकते हैं, अगर आपको ऑफस्प्रिंग का भी दे रखा हो, यानी कि बच्चे का दे रखा हो, तो आप पेरेंट का भी गेस कर सकते हैं कि पेरेंट का ये होगा या ये होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आपके सवालों के जवाब देते हुए बड़ी खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।